आमतौर पे हर एग्जाम में आपको फॉर्म भरने में जब जन्म तिथि के बारे में पूछे जाते हैं कि आप कितने वर्ष के हो गए, कितने महीने के हो गए, तो उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं या फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो वो ना हो पाए इसके लिए एक क्वेश्चन हम उम्र निकालना कैसे चाहिए उस पर हम ले रहे हैं। चलिए फिर से आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को यानी ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और कई सारे वीडियो हम दे रखे हैं आप उसे फॉलो करें। तो आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम है और मेनली हम बिहार एसएससी पे फोकस करेंगे, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा उससे। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जन्मदिन आप लिख लेते हैं, मान लीजिए चलिए उम्र निकालना सीखें। सपोज कीजिए कि किसी का जन्मदिन है, किसी व्यक्ति या विद्यार्थी का जन्मदिन या जन्म तारीख कहिए, जन्म तारीख लिखना चाहिए, जन्मदिन की अपेक्षा जन्म तारीख। जन्म तारीख है 8/5/2001। मान लीजिए कि जन्म तारीख 8/5/2001 को है और उसका क्या उम्र हुआ पूछा जाए, उम्र पूछा जाए कब, 1 मार्च 2022 को, मान लीजिए 2022 को कितने उम्र के हो गए, कितने वर्ष, तो कॉलम दिया रहता है वर्ष कितने हो गए, महीना कितना हो गया और कितना दिन हो गया, है ना, तीनों कॉलम में आपको भरना है, तीनों कॉलम में भरना। तो आप कैसे भर पाएंगे, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बता देते हैं कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए इसको आप इस तरह लिखिए, उलट के लिखिए, 2022 ऐसे लिख लीजिए, महीना और तारीख इस तरह से लिखिए और जन्म तारीख दिया हुआ है तो इस तरह से इसको भी मैनेज कीजिए, पहले साल का लिख लीजिए, फिर महीना का, फिर तारीख का। एक एक करके निकालते हैं, देखिए 1 तारीख से 8 तारीख घटाना है तो नहीं घटेगा, तो आमतौर पे 1 तारीख को लोग 31 तारीख मान लेते कर्ज लेके महीना से, लेकिन हमें ये देखना है ये जो महीना है मार्च का है तो उसके पहले महीना क्या था, फरवरी था, किस साल का, 2022 का, यानी फरवरी महीना 2022 का कितने दिनों का था, 28 दिनों का। तो चलिए यदि 29 फरवरी के जगह पे हम 1 मार्च बोल सकते हैं, 30 फरवरी के जगह पे यदि 30 फरवरी होता तो 2 मार्च बोलते, तो इसी तरह से यदि 1 मार्च है तो उसे हम लोग 29 फरवरी मान लीजिए, है ना, तो 29 मान लेते हैं, यदि इसको आप यदि 29 मान लेते हैं तो 29 से 8 को घटाइए तो 29 - 8 21 दिन हो गया। अब देखिए 29 माने तो किसका माने, फरवरी का ना, आप कहिएगा कि फरवरी 2022 का फरवरी यदि हम 28+1 मान के 29 फरवरी मान लिए तो 29 तारीख से हमने 8 को घटा दिया तो 21 दिन हो गया, अब फरवरी ये हो गया। अब ये बताइए फरवरी से यानी दूसरे महीना से 5वां महीना घटाना है ये फिर मुश्किल हो गया, तो ये क्या करेगा, दूसरा महीना इस साल वाले से कर्ज ले लेगा तो साल वाला कितना महीना देगा, 12 महीना देगा ना,
तो 12 महीना और 2 महीना और, 12 दो 14 महीना, 14 महीना से 5 महीना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 महीना। ठीक है, देखिए आप फरवरी बोलेंगे 2022 का फरवरी, यानी दूसरा महीना, तो आप इसे कह सकते हैं 2021 का 12+2 बराबर 14वां महीना। जिस तरह से घड़ी में आप 13 बोल देते हैं 1 बजे को, तो उसी तरह जनवरी को भी तो 13वां महीना कहा जा सकता है पिछले साल का। जैसे जनवरी 2022 को मन हो, घटाने में सहूलियत हो, तो 2021 को 13वां महीना मान लेंगे। तो उस तरह से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं सॉल्व, निकाल भी लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा टेडियस हो गया है ना। तो यदि हम कर्ज ले रहे हैं महीना से ले रहे हैं, तो वो महीना हमें 28 दिन दे रहा है या 30 दिन दे रहा है या 31 दिन दे रहा है, तो हम ले रहे हैं फरवरी महीने वाले से, तो वो हमें 28 दिन दिया, तो 28 और 1 29 तारीख में से 8 तारीख घटा दिए तो 21 दिन बच गया। अब ये फरवरी हो गया, फरवरी से अब यानी दूसरे महीने से 5 नहीं घट सकता है, तो दूसरे को क्या कर दिए, 14वां महीना मान लिए। 14 से 5 घटा लिए तो 9 महीना हो गया। तो ये 2022 अब नहीं रह गया ना, क्या रह गया, 2021 हो गया। अब 2021 से 2001 घटा लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो हो गया आपका 20 वर्ष 9 महीना 21 दिन, है ना। तो वर्ष के लिए कॉलम में लिखिएगा 20, महीना वाला में कॉलम में लिख दीजिएगा 9, और दिन वाला में लिख दीजिएगा 21। ठीक है, इस तरह से उम्र निकालना इजी हो गया। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं फॉर्म भरने में, तो ये तो मस्ट है, न्यूनतम कितने वर्ष की आपकी आयु हो गई, ये तो मस्ट है निकालना, इसलिए काइंडली केयर कीजिए। चलिए फिर हम सभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर ले। थैंक यू।